आयगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंदुजिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते भगवती हे शति कंठ कुटुंबिनी भूर कुटुंबिनी भूर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य गपरदिनी जयल सुते। जय माता दी। आप सभी दर्शकों को प्यार भरा जय माता दी। यार कमेंट आ रहे थे कि राहुल भाई नवरात्रे आ रहे हैं कुछ दिनों बाद, तो हम किस तरीके से अपनी यात्रा को प्लान करें और किस तरह अपनी यात्रा को समृद्ध बनाएं। तो इसी को लेकर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है वो एक इन्फॉर्मेशन देना ही है आप लोगों को, कि आप लोगों को जो माँ के श्रद्धालु हैं, माँ के भक्त हैं, उनको सहूलियत भरे दर्शन हो और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप अपनी यात्रा को प्लान करते हैं, अपनी यात्रा को समृद्ध बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप ट्रेन बुक करते हैं या प्लेन बुक करते हैं या बस बुक करते हैं। आप सारी चीज़ें भूल के सबसे पहले जाने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों को साइड में कर दें। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यदि नवरात्रों में जाएंगे तो आपको करना है, आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड .org करके वेबसाइट है, या आप श्री माता वैष्णो देवी भी डालेंगे गूगल पर तो ऐप खुल जाएगा, मतलब साइट खुल जाएगी। साइट पर क्लिक करोगे तो माता वैष्णो देवी की ओरिजिनल साइट खुलेगी, वो आपसे बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो। तो राइट साइड अपर साइड एक ऑप्शन आता है ऑनलाइन का, तो आप जब ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करोगे तो आपसे ये साइट यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगी। यदि आपका यूज़र नेम पासवर्ड है तो आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आप रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा और क्रिएट होने के बाद आप साइट को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको करना क्या है, इस साइट में सबसे पहले अटका आरती बुक करिए जिसका मूल्य 2000 रुपये है। देखिए 2000 रुपये बहुत होते हैं और 90% लोग चाहते हैं कि हम लोग दर्शन करें हम क्या आरती में बैठे। तो यार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो आरती होती है ना, ये चुनिंदा लोगों को नसीब होती है, चुनिंदा लोग। आप ये लगाओ कि हमारी जो देवी हैं, जो हमारी जगत जननी है, वो माता वैष्णो देवी है। सबसे बड़ा मंदिर माता वैष्णो देवी का है भारत, और इस मंदिर में यदि आपको माँ के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिल रहा है तो इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकती। आप डेली बैठते हैं लेकिन नवरात्रों में बैठने का मजा ही कुछ और। तो आप एक काम करिए, अटका आरती बुक कराइए, 2000 रुपये आपके लगेंगे और 2000 रुपये लगने के बाद आपको सहूलियत इस चीज़ की होगी कि क्या होता है, अटका आरती में 250 लोग ही एंटर कर पाते हैं, जिसमें से 200 लोग वो होते हैं जो 2000 रुपये देकर आरती में बैठते हैं। बाकी के जो 50 लोग हैं, ये लक के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि आप लाइन में सबसे आगे हो और आरती का टाइम हो रहा है तो ये लोग जो श्राइन बोर्ड के मेंबर हैं वो 50 लोगों की एंट्री करा देते हैं, जो कि फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और वो वहाँ जाके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद 250 लोग जब हो जाते हैं तो 1 घंटे या 1.25 घंटे आरती होती है, और आरती होने के बाद उन लोगों को प्रॉपरली तरीके से दर्शन कराए जाते हैं। क्योंकि नवरात्रे हैं तो नवरात्रे में आदमी यही सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने घर वालों को लेके जाऊं और माँ के दर्शन। तो होता क्या है, वहाँ पर बहुत लंबी लाइन, भीड़ का सामना आपको करना पड़ जाएगा, और दिक्कत ये आती है कि वहाँ फोन का नेटवर्क नहीं आता है, सिम बंद हो जाती है, तो आप जिस भी किसी के साथ गए हो आप ना तो उसको कॉल कर पाते हो, और अगर कॉल करनी है तो फिर यात्रा सिम लेनी पड़ती है। आदमी सोचता है कि यार
300-350 रुपए की सिम आएगी और वो दो दिन चलेगी तो मैं क्या सिम लूँ। देखिए जो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला आदमी है तो वो यही सोचता है कि यार मैं क्या लेके करूँगा, दो दिन की बात है अपना। तो अगर आपको इस चीज़ से बचना है, इस लाइन से बचना है, होता क्या है आदमी खो जाते हैं, फिर आपको अनाउंसमेंट करानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट ये होते रहते हैं वहाँ पे। तो अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो आप अटका आरती बुक कराएंगे। अटका आरती आप बुक कराते हैं तो आपको आरती में बैठने का सौभाग्य मिलेगा, माँ के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। और आरती जो होती है कसम से माइंड ब्लोइंग, ऐसी आरती मैंने आज तक किसी की नहीं देखी जैसी माता वैष्णो देवी में नवरात्रों के टाइम में देखी। सचमुच यार, लिटरली मेरा एक दोस्त है, उसका नाम शिवाजी है, वो मेरे साथ गया था, मेरे ना आंखों में से आंसू आ गए थे। इमोशनल मैं काफ़ी ज़्यादा हो गया था, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, उससे पूछ लेना बेशक। तो जब मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे तो उसने पूछा कि भाई तू रो क्यों रहा है यार। मैंने कहा यार अब मतलब आप ये लगाओ रोंगटे खड़े कर देने वाली आरती होती है, इतना मन लगता है ना आरती में यदि आप मन लगाओगे तो। तो ये सारी चीज़ें से आप बच जाओगे। आरती आप बुक कराएं वो मेन है। दूसरा, आप रूम बुकिंग करा लीजिए। होता क्या है जब आप रूम नहीं बुक कराते हो तो इन दिनों नवरात्रों के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण आपको वहाँ स्पेस ही नहीं मिलता, तो आपको इसी वेबसाइट से रूम रिजर्वेशन कराना है, या आपको डोरमेट्री करानी है तो डोरमेट्री करा लीजिए, रूम बुकिंग करानी है तो रूम बुकिंग करा लीजिए। और ये अभी कराइए क्योंकि 2 महीने बाद से बुकिंग ख़त्म होने लगती है, विद इन 10 सेकेंड ख़त्म हो जाती है। तो 10 बजे सुबह के ये साइट खोल के आपको रूम रिजर्वेशन करना है। आप ये लगा लीजिए कि 10 सेकंड बाद सब ख़त्म है, तो जितनी जल्दी आप रूम बुकिंग करा सकते हैं करा लीजिए, अटका आरती करा लीजिए। और अटका आरती रूम रिजर्वेशन के बाद यदि आप चाहते हैं हेलीकॉप्टर से जाना या फिर पालकी से जाना या फिर घोड़े से जाना या फिर बैटरी कार से जाना, तो आप हेलीकॉप्टर बैटरी कार तो आप करा सकते हैं, बाकी घोड़े तो आप वहीं से लेंगे। इन चीज़ों की सहूलियत के बाद आप ट्रेन बुक करें। यदि आपकी ये चीज़ें हो जाती हैं तो आप ट्रेन बुक कराइए, प्लेन बुक कराइए, बस बुक कराइए और आप अपनी यात्रा को समृद्ध बनाइए। एक चीज़ और, कोविड, तो कोविड के लिए मैं आपको बता दूं कि कोविड की कोई भी टीम वहाँ अभी नहीं है जो कि चेक कर रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन बेसिकली आप क्या करिए, कोविड का टेस्ट करा के जाइए। इससे ये होगा कि यार मैं नेगेटिव, अगर इस तरीके की चीज़ हर एक बंदे में होगी तो वहाँ सभी नेगेटिव पहुँचेंगे और कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कोरोना किसी को होगा नहीं। तो प्लीज़ ऐसा करिए, क्योंकि उस टाइम बहुत भीड़ होती है और बहुत भीड़ में आपको पता है छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहते हैं। तो बेसिकली कोविड में तो अभी वहाँ कोई चेकिंग वैकिंग हो नहीं रही है, और आने वाले टाइम में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि चेकिंग होगी या नहीं होगी, वैसे अभी नहीं हो रही है और लगता नहीं कि जब भी होगी। बाकी तो आप आराम से जाएं और अपना माता वैष्णो देवी की यात्रा ट्रैक पर आनंद लें। एक चीज लास्ट बोलूंगा गाइस, भक्तों श्रद्धालुओं वो घूमने की जगह नहीं। तो जी मैं तो वैष्णो देवी जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ जाऊँगा, मैंने तो पत्नीटॉप गया यार, वो घूमने की जगह नहीं, वो माँ का घर है। लोग ना तरस जाते हैं वहां पे जाने के लिए, तो प्लीज इस पर्पस से मत जाओ कि मैं वहां घूमने जा रहा हूं। दिमाग में ये बैठाओ मैं ना अपनी माँ से मिलने जा रहा हूं और माना तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। जय माता।